అప్పుడు ముందు Good morning, student. How are you? Fine? Okay. तो ये शिकायत चल रही थी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कि सर दो ही तीन पार्ट दो पार्ट बनाए और उसके पश्चात जो है वो हिंदी मीडियम के बना रहे हैं, सर को क्या हो गया? ठीक है, तो मेरे को क्या है कि थोड़ा सा हिंदुस्तानी पढ़ा आ गया था, समझ रहे हो ना? आई एम एन इंडियन. तो लेकिन आज फिर आपके लिए इंग्लिश का पार्ट थ्री वाला जो टॉपिक है जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम शुरू करते हैं. पोलिनेशन ही अभी पढ़ा रहे थे हम, और पोलिनेशन का जो अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन उसके अंदर हमने तीन प्रकार पढ़ चुके थे. ठीक है, प्रोटोगेनिटर, और इसके पश्चात जो अगला नेक्स्ट है वह है हार्कोगेमी, फोर्थ है शायद आपके लिए. हार्कोगेमी, ठीक है, असंगता तो बोलते हैं, सजात असंगता बोलते हैं इसको, हार्कोगेमी. ये भी एक एडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेशन के लिए. किसके लिए? क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक एडेप्टेशन है ये, और इसको हम आज पढ़ेंगे. दो एडेप्टेशन हमारे शेष रहे हैं, हार्कोगेमी और हेटरोस्टाइली. ओके, तो हम हार्कोगेमी को पढ़ते हैं. हार्कोगेमी को मैं समझा देता हूं कि हार्कोगेमी का मतलब क्या होता है. इन सम होमोजीनियस फ्लावर, जो समरूपी जो फ्लावर होते हैं, होमोजीनियस जो फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो स्टामेन होता है और जो अपनी जो स्टिग्मा जो होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं. होमोजीनियस फ्लावर है, होमोजीनियस फ्लावर का मतलब यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो द्विलिंगी फ्लावर है. ठीक है, होमोजीनियस फ्लावर, होमोजीनियस फ्लावरों में क्या होता है कि भाई स्टामन भी है और स्टाइल यानी कि जो हमारी स्टिग्मा है वो भी है, समय पर दोनों मच्योर हो रही हैं एक साथ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि उनमें कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर हैं इन बैरियर की वजह से क्या हो जाता है कि उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन. तो उनमें क्या नहीं होता, उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता जबकि होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, ठीक है, होमोजीनियस है, और उनमें सारी कंडीशन जो है वो किससे समरूप है, उनसे सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेल्फ पोलिनेशन के लिए है, लेकिन फिर भी उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, उनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है. उसका रीजन क्या है कि स्टामेन, ठीक है, और जो अपना स्टिग्मा है, स्टामन और स्टिग्मा में दोनों में स्ट्रक्चरल बैरियर आ जाते हैं, कुछ संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और इन अवरोधों की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर केवल क्या हो सकता है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है. ओके, नोट कीजिए, इन सम फ्लावर, इन सम होमोजीनियस फ्लावर, there are some adaptation. Okay, in some homogeneous flower there are some adaptation, और इन adaptation के कारण क्या होता है, due to क्या होगा, इनके कारण due to which self pollination, self pollination नहीं हो सकता, समझ गए, cannot occur. Okay, समझे इस चीज को, फिर से दोहरा देते हैं,
क्या है कि इन सम होमोजीनियस फ्लावर देर आर सम एडेप्टेशन। सम एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ इस प्रकार की अनुकूलताएं हो जाती है उनमें कि उन अनुकूलताओं के कारण उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं पाता। जबकि कैसे फ्लावर हैं, होमोजीनियस फ्लावर हैं, होमोजीनियस फ्लावर होने के पश्चात भी उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है, सम एडेप्टेशन। सम एडेप्टेशन का मतलब, ये जो सम एडेप्टेशन है इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है, स्ट्रक्चरल बैरियर उत्पन्न हो रहा है किस किस के मध्य, स्टामेन और किसके मध्य, स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा और जो स्टामेन है इन दोनों के बीच कुछ संरचनात्मक अवरोध आ गया, कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर आ गया और यही स्ट्रक्चरल बैरियर क्या है यहां पर एक एडेप्टेशन है और इसी के कारण क्या होता है, ड्यू टू विच सेल्फ पोलिनेशन कैनोट अकर और जिसके कारण सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए इनमें सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ इनमें क्या हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ये एडेप्टेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरियोफिलेसी फैमिली में, ठीक है, कैरियोफिलेसी जो फ्लावर होते हैं कैरियोफिलेसी जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि कैरियोफिलेसी जो फैमिली होती है इसके अंदर क्या होता है, कैरियोफिलेसी फ्लावर द स्टिग्मा प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्टिग्मा प्रोजेक्ट बियॉन्ड यानी से आगे, बियॉन्ड यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है द स्टामेन, ठीक है। ये कैरियोफिलेसी फैमिली में क्या होता है या कैरियोफिलेसी जो फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टिग्मा जो होता है प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्टामेन, कि जो अपनी स्टिग्मा है वो स्टिग्मा जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है किससे, स्टामेन से, ठीक है। स्टिग्मा जैसे स्थिति किस प्रकार की हो जाएगी, ये अपनी क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई, ठीक है, ये स्टाइल हो गई, ये ओवरी हो गया और ये इधर से इनके साथ क्या हो गए, स्टामिन हो गए। तो स्टामिन जो होते हैं वो तो कैसे रह जाते हैं, थोड़े छोटे रह जाते हैं और स्टिग्मा हो जाती है बड़ी, और जब इनका डिसेंस होता है अर्थात जब ये फटते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पराकण होते हैं वो अपनी स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंच पाते जिसके कारण यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। ओके दैट्स ऑल। तो ये हमारी हर्पोगेमी हो गई। अंतिम जो है हमारा हेटरोस्टाइली नंबर पांचवा जो एडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेशन के लिए वो क्या है, हेटरोस्टाइली विषम वर्तिकातु बोलते हैं इसको हिंदी में, विषम वर्तिकातु, ठीक है। यहां पर भी इसमें हर्पोगेमी में हेटरोस्टाइली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंट है वो क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो प्रकार के पुष्प आते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर, वन लॉन्ग स्टामेन एंड शॉर्ट स्टिग्मा, सेकेंड शॉर्ट लॉन्ग स्टिग्मा एंड शॉर्ट क्या रहेगी, स्टामेन रहेगा। तो दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। द फ्लावर में भी टू टाइप्स, इसमें क्या होगा, इन सम प्लांट में भी कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है, वन लॉन्ग स्टामेन एंड शॉर्ट स्टिग्मा एंड सेकेंड कैसे होंगे,
लॉन्ग स्टिग्मा एंड शॉर्ट स्टामेन। ओके, तो इस तरह से दो कंडीशन हो जाती हैं एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिलिस एग्जांपल अगर इसका हम देखें तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, ऑक्सिलिस, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है या फिर प्राइमुला, कई जगह आज का ही प्राइमुला इसके एग्जांपल हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हार्कोगेमी हेटेरोस्टाइली लगभग लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हार्कोगेमी में क्या होता है कि हार्कोगेमी में एक जो फ्लावर होता है उसके अंदर, ठीक है ना, जो कि होमोजीनियस प्रकार का फ्लावर है, और उसके अंदर कुछ अडेप्टेशन के कारण, कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर के कारण, जो अपने खुद के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनसे जो है स्टिग्मा जो होती है वो पोलिनेट नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी कि उनमें क्या नहीं हो सकता, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कैरियोफिलेसी जो फैमिली होती है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। हेटेरोस्टाइली विषमवर्तिकात्व, इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर दो प्रकार के फ्लावर हमें नजर आते हैं, और ये दोनों जो प्रकार के जो फ्लावर हैं इनकी कंडीशन कैसी हो जाती है कि या तो कैसे होते हैं लॉन्ग स्टामेन और शॉर्ट स्टिग्मा, या फिर लॉन्ग स्टिग्मा और शॉर्ट स्टामेन, जैसे कि ऑक्सिलिस और प्राइमुला में। ओके, सो वो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिटा दूं, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, अच्छा टॉपिक है, मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन तो अपने आप ही हो जाता है एक ही फ्लावर में, ठीक है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या है कि प्लांट्स जो है वो भी कैसे हैं, अलग अलग हैं और फ्लावर भी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अलग किसी एक स्पीसीज के किसी एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर लगे हुए फ्लावर पर जाकर गिरते हैं, तो यहाँ पर से और यहाँ तक उन्होंने एक दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहां से यहां तक जो है परागकण किस माध्यम से पहुंच रहे हैं, ठीक है, किस माध्यम से पहुंच रहे हैं, वायु द्वारा पहुंच रहे हैं, जल द्वारा पहुंच रहे हैं, किसी कीट द्वारा पहुंच रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं, ये चीजें हम देखते हैं। ओके, समझ रहे हो ना, तो इन्हें हम मेथड बोलते हैं कि किसके माध्यम से हो रहा है, और इनमें पहला है, ठीक है, पहला है एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब होता है वायु परागण, हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आइए, वायु परागण, ठीक है। वायु परागण से मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर क्या हो रहा है, ठीक है, व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसपोर्ट बाय, क्या लिख सकते हैं इसमें, व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसपोर्ट बाय, किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, बाय एयर, ठीक है, या वाइंड कह सकते हैं आप इसे, हवा के माध्यम से अगर इनका ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एनिमोफिली कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है। अब एनिमोफिली जो प्लांट होते हैं, यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर
क्रॉस पोलिनेशन का जो तरीका है वो, यानी कि पोलन ग्रेन के ट्रांसफर का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है, अगर वाइंड है तो ऐसी स्थिति में उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो मैं नोट कर देता हूं नीचे, ठीक है। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके पास नोट्स भेजूंगा, उसमें से आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। यहां के अलावा आपको समझा देते हैं क्या क्या हो सकता है कि एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं, एनिमोफिलस जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके अंदर, पहली जो विशेषता होती है वो क्या हो सकती है कि इनके अंदर जो है पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, ड्राई, ठीक है। पहली विशेषता होती है कि इनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, यानी कि शुष्क होते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा एक लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट यानी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ड्राई होते हैं। तीसरी LIGHT यानी कि लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। ये तो किन की विशेषता होगी, पोलन ग्रेन की, किन के अंदर, उन प्लांट में बनने वाले पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। और इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शुष्क होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, साथ ही साथ हल्के भी होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। क्यों, क्या रीजन है शुष्कता का, क्योंकि मान लीजिए रस्ते के अंदर उड़ते हुए जा रहे हैं, यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं और किसी दूसरी सतह पर चिपक जाए, अगर मान लीजिए कैसे होंगे, स्टिकी होंगे तो कैसे उसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो चिपकने के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, अर्थात ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के का मतलब वायु के द्वारा परागण हो रहा है, भारी होगा तो वायु के साथ नहीं उड़ पाएंगे, या बहुत तेज वायु चलेगी तभी उड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, बिल्कुल लाइटली होने चाहिए, ठीक है, हल्के होने चाहिए। दूसरी चीज लार्ज अमाउंट, आप जान रहे हैं कि बिल्कुल खुले में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर खुले में पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये तो होगी इसकी विशेषता। साथ ही साथ क्या होता है कि स्टिग्मा में भी जो एनिफिलस फ्लावर होते हैं उनके पोलन ग्रेन ही नहीं, उनकी जो स्टिग्मा होती है उनमें भी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है स्टिग्मा में, स्टिग्मा जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो उनकी ब्रुश के समान, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप, ये हमारी स्टिग्मा है, समझ रहे हो, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं ऊपर, ठीक है, इस तरह से हेरी होती है। तो पहली क्या होगी, हेरी स्टिग्मा, ओके, ठीक है, क्या होगा, हेरी स्टिग्मा, या फिर जैसे ग्रास में, इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्रास, जो घासें होती हैं उनमें स्टिग्मा कैसी होती है, हेरी होती है, ओके। इसी प्रकार से दूसरे और भी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी, जैसे हमारा टाइफा, टाइफा में क्या होता है, टाइफा में एक कंडीशन और होती है कि टाइफा में ये हेरी नहीं होते, होती तो इसी तरह की है लेकिन इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। तो टाइफा के अंदर जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, ब्रुश लाइक होती है, जैसे हमारी ब्रुश होती है ना, या मंजन मंजन करने वाली, उस तरह की ऊपर की जो सतह होती है। अब ये क्यों होती है ऐसी, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब मान लीजिए यहां से गुजरने वाले जो परागकण हैं उनको ये कैच कर लेती हैं, ठीक है, उनको पकड़ने का काम करती हैं, और पकड़ने के काम के कारण ही इनके अंदर ये कुछ एडेप्टेशन अलग से पाए जाते हैं। तो वायु परागण का मतलब क्या हो गया, व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बाय एयर, यानी कि वाइंड के द्वारा होता है, ओके। और जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण हो रहा है, उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं कि उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हल्के हो सकते हैं,
ड्राई हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट में बनते हैं, लाइटली हो सकते हैं, उनकी स्टिग्मा जो होती है वो तो या तो हेरी हो सकती है, ठीक है, यानी कि उसमें फ्लेजिला यानी कि पक्षमा भी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है, ब्रूस लाइक हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये तो पहला हो गया, क्या हो गया, एनिमोफिला, एनिमोफिली। नेक्स्ट जो है नंबर दो, एनिमोफिली के पश्चात जो दूसरी है वो हाइड्रोफिली, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि व्हेन, सेम उसी तरह से व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बाय वाटर, किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, अगर ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहा है, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर अगर पानी यानी कि जल के द्वारा हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली, ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। हाइड्रोफिली जो होती है वो दो प्रकार की होती है, हाइड्रोफिली आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोफिली कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, अधोजल और अधिजल भी बोलते हैं इसको, यानी कि हाइपिड्रोफिली और एपिडोफिली, हाइपिड्रोफिली, एक तो हाइपिड्रोफिली होती है और एक होती है एपिड्रोफिली। ओके, हाइपिड्रोफिली होती है और एक एपिड्रोफिली होती है। हाइपिड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि इनसाइड द वाटर, अगर जल के द्वारा हो रहा है ये तो सामान्य सी बात है, और दूसरी बात ये भी समझने की होगी कि हाइड्रोफिली अगर प्लांट है, मान लीजिए कैसा प्लांट है, अगर हाइड्रोफिली अगर प्लांट है तो उसके यानी कि जल के द्वारा अगर उसके हाइड्रोफिलस अगर फ्लावर है तो कंफर्म है कि वो कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे, कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे यानी कि जलीय होंगे, लेकिन सभी नहीं, लेकिन जिनमें जल द्वारा होता है वो तो जलीय होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जलीय भी एक्वाटिक प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ यहां पर उनकी बात करेंगे जो कि एक्वाटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो जलीय पादप होते हैं उनके अंदर वायु जल के द्वारा परागण होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, हाइपिड्रोफिली और एपिड्रोफिली, ठीक है। हाइपिड्रोफिली का मतलब क्या है, हाइड्रोफिली का मतलब है व्हेन पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहां हो, इनसाइड द वाटर, कहां हो रही है, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर हो रही है, ठीक है, यानी कि फ्लावर जो यानी कि जो प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर ही हो रही है। और इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो वेलिसनेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया जो प्लांट होता है वो एक एक्वाटिक प्लांट है, और जिसके अंदर जो पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो हाइपिड्रोफिली प्रकार की होती है, यानी कि इनसाइड द वाटर होती है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये जल है और हमेशा वो उसके अंदर पाया जाता है भीतर, ठीक है, अगर अंदर है इनसाइड है तो उसके अंदर पोलिनेशन भी इनसाइड ही होगा, ठीक है, कंप्लीटली सतह पर नहीं होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, ठीक है, पानी के अंदर डूबे होने के कारण ही इसमें पोलिनेशन भी पानी के अंदर ही होता है, ठीक है। एपिडोफिली का मतलब क्या है कि पोलिनेशन कहां हो रहा है, सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सतह पर,
कहाँ हो रहा है? पानी की सतह पर हो रहा है, ठीक है। पानी की सतह पर होने के कारण ही क्या होता है, इसे हम एपिड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल जो हो सकता है इसका, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, नोट तो नहीं किया होगा आपने, ठीक है। एक्सक्यूज, मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल बताने में थोड़ी गलती कर दी, कि हाइड्रोफिली जो होता है उसका जो एग्जांपल है वो जोस्टेरा होता है। क्या होता है? जोस्टेरा, ओके, और नाजास, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जोस्टेरा और नाजास ये हाइड्रोफिली के होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एपिड्रोफिली है जब जहां पर पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है, वो किसके द्वारा हो रहा है? सरफेस ऑफ वाटर यानी कि पानी की सतह पर हो रहा है। इसकी प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि ये आउट ऑफ कोर्स है। इसका एग्जांपल होगा वेलिस नेरिया, वेलिस नेरिया, ठीक है। वेलिस नेरिया जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो एपिड्रोफिली प्रकार की हाइड्रोफिली होती है, यानी कि जो जल परागण होता है वो कैसा होता है? अधिजल परागण होता है, यानी कि एपिड्रोफिली होता है, पानी की सतह पर होता है, ठीक है। कैसे होता है इससे आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये जल की सतह है, ठीक है, पानी है और ये नीचे पानी भरा हुआ है, और ये इसके अंदर ये क्या है, ये अपना वेलिस नेरिया है, ओके, इसे हम वेलिस नेरिया मान लेते हैं, राइट। अब होता क्या है कि देखो बड़ी, इसके अंदर जो क्या बनते हैं, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टामेन होते हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करते हुए सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वृद्धि करते हुए कहां पर आ जाते हैं? सतह पर आ जाते हैं जब वो मच्योर होते हैं। और इसके अंदर जो स्टिग्मा होती है, ठीक है, यानी कि जो कार्पल्स होती है वो भी बड़ी अजीब प्रकार की होती है। इसकी जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है? स्प्रिंग नुमा होती है, इस प्रकार से, यू इस तरह से। और ये भी कहां पर आ जाती है? सतह पर आ जाती है। जब मैच्योरिटी आती है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरिटी के समय पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जो अपना एंथर होता है उसका डिसेंस हो जाता है, वो फट जाता है। फटने के पश्चात परागकण कहां जाते हैं? सतह पर, जल की सतह पर आ गए। जैसे ये फटेगा, ठीक है, ये फटेगा, जल की सतह पर आ गए, और यहाँ पर साथ ही साथ क्या हो गया कि यहाँ स्टिग्मा जो थी वो भी वृद्धि करती हुई, थोड़ी खुलती हुई, स्प्रिंग नुमा थी ना, खुलती हुई जल की सतह पर आ जाती है, और यहाँ से किनको ग्रहण कर लेती है? पोलन ग्रेन को ग्रहण कर लेती है। और जब ये पोलन ग्रेन को ग्रहण कर लेती है तो धीरे 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 ये फिर से किधर चली जाती है? अंदर चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? इसलिए यहां पर हमने देखा कि पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, एक्वाटिक प्लांट होने के साथ साथ इसमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कहां पर हो रही है? सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की सतह पर हो रही है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? वेलिस नेरिया होगा, ओके, गुड। ये दूसरा प्रकार था, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है इसका, नंबर तीन, वो है अपना एंटीमोफिली का मतलब होता है, आप जान रहे हैं कि एंट का मतलब चींटी से होता है, ठीक है। और यहां पर हम कीट परागण की बात कर रहे हैं, जब पोलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो इंसेक्ट के माध्यम से होती है, ठीक है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन पोलिनेशन या पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, व्हेन पोलिनेशन ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू थ्रू बाय इंसेक्ट, ठीक है, कीटों के द्वारा अगर हो रहा है तो वो क्या होगा?
इंसेक्ट के माध्यम से अगर हो रहा है तो इसे हम एंटीमोफिली कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या है कि कुल 80% जो पोलिनेशन की प्रोसेस एंटीमोफिली प्रकार की जो होती है, 80% जो एंटीनोफिलस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर 80% जो पोलिनेशन होता है, मैं लिख ही देता हूं, इन एंटीमोफिली फिलस प्लांट, इन एंटीनोफिलस प्लांट 80% पोलिनेशन जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, डन बाय किसके द्वारा होगा, बी मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इंसेक्ट के अंदर 80% जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो बी के माध्यम से होती है, यानी कि मधुमक्खियों के माध्यम से होती है। अदर और भी बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं जो कि पोलिनेशन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, पोलिनेशन को मदद करते हैं पोलिनेशन में, जैसे बी के अलावा बीटल्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो क्या हो सकते हैं, बीटल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने आंट हो सकती है जिसे हम चींटी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चींटी, ठीक है, भौरे वगैरह, इस तरह से बहुत सारे दूसरे भी प्रकार हो सकते हैं। ओके, यहां पर एक चीज और समझने की है, हालांकि नोट्स भेजूंगा उसमें लिखी हुई मिलेगी आपको, वो क्या है, वो समझने की चीज ये है कि यहां पर जो एंटीनोफिलीज जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फ्लावर होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है कि जो फ्लावर होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, कि फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, तो इसके लिए वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, साथ ही साथ उनमें क्या पाया जाता है, नेक्टर पाया जाता है, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद, जिसे चूसने के लिए इंसेक्ट यानी कि जो कीट होते हैं उसके ऊपर जाकर बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया एंटीनोफिली। नेक्स्ट जो है अपना नंबर चार, चौथा जो है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, जैसा कि नाम ही है आप इसकी परिभाषा खुद लिख सकते हैं कि व्हेन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बाय किसके, बर्ड्स, किसके द्वारा, किसके द्वारा हो, बी आई आर डी, बर्ड्स, अगर पक्षियों के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्निथोफिली प्रकार का क्या होगा, एक है क्रॉस पोलिनेशन का मीडियम हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थिनोफिली किसके द्वारा डन हो रहा है, बर्ड्स के द्वारा डन हो रहा है, जो बर्ड्स हो सकते हैं उनके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे अपना हमिंग बर्ड, बी आई आर डी, यानी कि जो हमिंग बर्ड होता है, ये हमिंग बर्ड जो होता है इसके अंदर मदद करता है, ठीक है, हमिंग बर्ड जो होता है इसके अंदर मदद करता है, ठीक है। और अपना क्रो भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं, क्रो, क्रो के द्वारा भी क्या होता है, पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल हम देखें कि कौन कौन से वो प्लांट हो सकते हैं जिनके अंदर ये हो सकता है, तो बिगोन, जो अपना बिगोनिया है, इसका एग्जांपल हो सकता है, बिगोनिया बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटिया, ब्यूटिया नामक जो प्लांट होता है वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है, ब्यूटिया जो प्लांट है वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये हमारा चौथा है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, फिर से एक बार दोहरा देंगे हम, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जो पांचवा जो प्रकार है अपना, वो पांचवा जो प्रकार है वो है चेरोपेट्रोफिली, सी एच आई आर ओ पेट्रोफिली,
चेरोपेट्रोफिली जो होता है इसका मतलब क्या होता है, चमगादड़ द्वारा, किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा भी जो है एक मीडियम हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो सकता है, और इसके अंदर जो प्लांट हो सकते हैं वो जैसे अपना जो रात्रि में खुलते हैं जैसे कि मोगरा, ठीक है, मोगरा जो होता है वो रात्रि में खिलने वाला है, और मोगरा में इस तरह का जो है एग्जांपल पाया जा सकता है, या फिर अपना गुलमोहर, गुलमोहर भी इसका एग्जांपल हो सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि चमगादड़ जो होता है वो भी रात्रिचर प्राणी है, आप जानते हैं, रात में घूमता है और वो मकरंद की तलाश में इधर उधर फूलों पर बैठता है, केवल उन्हीं फूलों पर बैठता है जो फूल रात्रि में खिलते हैं, ठीक है। और रात्रि में खिलने वाले जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो है क्रॉस पोलिनेशन या जो पोलन ग्रेन है उनका जो ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से हो सकता है, चमगादड़ के माध्यम से हो सकता है। तो ये अपने पांच प्रकार थे मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, एक बार फिर दोहरा देते हैं इसको, एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली का मतलब वायु के द्वारा अगर परागण हो रहा है, जब पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है किसके द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा, वाइंड के द्वारा हो रहा है, हाइड्रोफिली जब वाटर के द्वारा हो रहा है, एंटोमोफिली जब इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है जब पक्षियों के द्वारा हो रहा है, और चेरोपेट्रोफिली का मतलब क्या होता है, जब चमगादड़ के द्वारा हो रहा है। ओके, ये आज का अपना टॉपिक था, शायद आपको समझ में आया होगा। इसके जो नोट्स लिखेंगे वह नोट्स मैं आपको यहां से मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन से आगे आगे के जो है वो आपको व्हाट्सअप करूंगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो हैं मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, जिनका एक ग्रुप बना देंगे और उसके ऊपर सभी जो हैं व्हाट्सएप नंबर मुझे उपलब्ध कराएंगे, सभी छह के छह अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, पांच गर्ल्स हैं और एक बॉयज है, तो ये पांच छह जो बच्चे हैं ये मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर देंगे सभी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं हर रोज आपको जो भी यहाँ पे समझाऊंगा उसके नोट्स आपको भेजूंगा, ताकि आप नोट लिखते वक्त किसी तरह की कोई गलती नहीं करें। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, सभी मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर देंगे, छह के छह बच्चे जो भी देखते हैं, ये इस चीज को ध्यान रखना, सभी बच्चे कमेंट्स में आप या कैसे भी मुझे व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर का, जिससे हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप का एडमिन मैं रहूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उस ग्रुप में जो है कुछ भेज सकता हूँ, आप एक दूसरे के पास कुछ नहीं भेज सकते, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसके उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है, सिर्फ हम स्टडी करेंगे इसमें। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, नोट्स के लिए आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे। ओके, बाय बाय।